गरम तासीर कहें। तासीर किसे कहें? मतलब जो अंदर से गरम हो, फितरत हो। जैसे ये कहते हैं कि भूस जो है ना, भूस की तासीर बहुत ठंडी हो अंदर से, भूस के अंदर बर्फ को नहीं रख देते। अच्छा, पिघलती नहीं क्या फिर बर्फ? धीरे धीरे पिघले, वो नहीं होता कि एकदम पिघलने शुरू हो गए। अरे वे रख दे भूस के अंदर, बहुत बार सेब भी तो दाब दे, वो सेब नहीं वो खजूर और आम, आम भी दाब दे। जैसे दही की तासीर पिघल जाए, ठंडी हो, भले ही तू फ्रिज की ना पिए, तासीर ठंडी है तो गले में नुकसान देगी, इस तरह से बोल रहा है। नेचर, ये तो जैसे मेरा नेचर बहुत सेक्सी है तो मेरी तासीर सेक्सी तासीर। मतलब अगर मैं कपड़ों में हूँ, बिना कपड़े के हूँ, मैं सेक्सी लगूंगा, या मैं जैसा भी हूँ, मेरी तासीर तो सेक्सी रहेगी ना। अच्छा अच्छा, ये 10 पुशअप मार के दिखाओ तब मन। बुढ़ापे में किसका सबसे ज्यादा लंबा होगा बताओ? जो 10 पुशअप मार दे भी छोटा हो उसका, जिम जाने वाले के तो छोटा हो। एक बात पूछना चाहूँ लेकिन ऑफ कैमरा पूछो। रे मेरे से इन बातों में चुपचाप, सबके सामने तो पूछता नहीं, फिर मेरे से आराम से पूछते कि यो कैसे हो, वो कैसे हो, मगर कच्ची रहेगी। मगर बड़े भाई को ज्यादा नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज ज्यादा यार वैसे तो, मतलब बातें ज्यादा पता तुझे सही में ही। कल रात 4:30 बजे तक जगने के बाद सुबह सुबह कॉल आ गया था, एक बार मम्मी को छोड़ के आया मैं आज, क्योंकि हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है, 2 बज गए वहीं, कोई काम भी नहीं करा मैंने, बस बैठा रहा मैं। खैर अभी ऊपर जाते हैं, व्लॉग लाइव करते हैं आज वाला, जो आज लाइव जाना है, उसके बाद वीडियो करते हैं, आज मेन चैनल की वीडियो भी होगी, उसके बाद रिहर्सल करते हैं क्योंकि ट्रायल शो है, उसके बाद शायद इस बार होली पे घर भी ना जाऊँ यार, मन नहीं है होली पे जाने का, मतलब है सब भूल भाल जाऊँगा मैं, जो भी प्रिपेयर किया। बड़ी दिक्कत है यार, डेली व्लॉगिंग इज अ टफ टास्क यार, सबसे पहले तो ये व्लॉग निपटाना पड़ा है ना रोज। मैं फिर रुकेगी यार ये लिफ्ट भाई, 10-10 बार तो लिफ्ट मिलती है, आधे लोग तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी लिफ्ट खुलवा दे रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं सीढ़ियों से, लिफ्ट को कॉल करके चले जा रहे हैं। गर्मी में कपड़े भी निकालने हैं क्योंकि आज तो मम्मी ने भी टोक दिया ना, 2-3 दिन से तू सेम ही कपड़े पहन रहा यार, बेड में नीचे रखे हुए, उसमें बैग में ना, या तो लोग में एक बैग लाए थे हम जिसमें गर्मी में कपड़े रखे थे सर्दी आते ही, तो वो निकालने मुझे आलस आ रहा, मैंने यार पहले बहुत सारा काम, अब ये क्या फैलाऊं, तो 1-2 दिन मुझे इन्हीं कपड़ों में देखने की आदत डाल लो। मैं वैसे पसीने वसीने आते भी नहीं यार, डिओड्रेंट मतलब डिओ किस काम आएगा भाई। डियो से याद आया भाई, उसमें गाड़ी की सीट में ऊद छूटा हुआ, मेरा ऊद रखा हुआ गाड़ी में, वहीं छोड़ गया, वो भी निकालना पड़ेगा इससे पहले कि वो गाड़ी घर पहुंच जाए। आज तो एक टॉफी मिली बड़े दिनों बाद, अभी नहाते हुए खाऊंगा, कई बार ऐसा भी तो होता है एक आखिरी टॉफी बची रहती है, वो अटक सटक सट की जाती गलती से, कितना दुख हुआ गया था, जो आखिरी टॉफी चूसने के लिए रखी जाती है वो गलती से हलक में चली जाती डायरेक्टली, मैं तो कई बार ट्राई भी करूँ था वापिस आ जाए गले में से। मुझे वो बढ़िया लगा था, कभी कभी टॉफी लावे थे एक ही रैपर में से 2 निकल जाती, तुझे तो एक अंकल दिला गया था टॉफी थोड़ी देर के लिए, उसमें बहुत सारा निकला करती थी, वो कच्चा हमारी आया करती थी खरी सी, बता तो रहा था, तो एक अंकल थे बहुत प्यार करे थे पहले, टॉफी दिला के लाया करे। मैं आज यूं सोच रहा कि गीजर में नहाऊं या ठंडे पानी में नहाऊं भाई, बाथरूम में ना गीजर में फनी कर रहा हूँ आजकल तो। ढाका जो है ढाका अपनी वीडियो में लगाऊंगा, नाइस नाइस, कमाओ पैसे कमाओ, मुझे लग रहा हूँ। तुझे कैसे पता चला भाई गाँव में नहाने जा रहा हूँ? थोड़ी देर अगर सर पे कच्चा बांध के घूम लो ना, कच्चा सूख जाओ, मैं कच्चा सूख जा, फिर यार आधी चीज समझ नहीं आती लोगों, कच्चा सूख जाता है और जल्दी सूख सही है, अगर तो नीचे घूमिया ऐसे ऐसे गार्डन में। नहीं मैं सोच रहा गिल्ले कच्चे को पहन के घूम आऊ, वो जो बाकी सोसाइटी में घर नहीं मिल रहा ना, यहाँ से भी निकल जाएंगे अपना घर ही रह लेंगे जाके। तुझे लगा सोसाइटी टॉलरेट कर लेगी हमें अगर एक लड़का कच्चा गार्डन में सुखाने लगे? एक काम करे, वो जो किड्स प्ले एरिया है उसमें तार बंद है यूं से ही, और अपने सारे कपड़े बाल्टी में ले जाके भिगो के वहां सुखा दो, तुरंत कंप्लेन हो जाएगी कि ले सेकंड, यहाँ के लोग तो एक एक सेकंड का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कुछ लोग ना यार, कुछ लोग ऐसे हो, मैं देखो बुरा मानने की वाली बात तो है नहीं, लेकिन लोग मेरे बारे में बोल रहे अभी बताओ, कुछ लोग सोसाइटी में इतने खाली हो गए कि बस वो यूं देखते रहे कि कहां मुझे कंप्लेन करने लायक कुछ दिखे, समझ रहा कि नहीं कहना चाह रहा मैं। आजकल मेरे पे शॉट लेते रहे कोई यार, मतलब सोसाइटी में कल भी हम जहाँ जा रहे थे तो वहाँ लोग वहाँ बहुत अजीब तरीके से देखे हैं, मतलब एज बैचलर्स को तो यूं कह देख रहे हो उसे पकड़ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो एक स्टैंड अप कॉमेडी में था ना कि तुम्हें क्या लग रहा कि बैचलर फ्लैट में क्या करेगा, अगर तुम्हें उसका डर है तो मैरिड लोग तो रोज कर रहे हैं, मैरिड को जो तुम दे रहे वो तो रोज करेंगे वो काम, क्या मतलब रीजन क्या, मुझे लगे उसके लिए ना देते हो कि ये देख बैचलर नहीं, बैचलर दारू पिएगा मैरिड भी पी सके, बैचलर गंदे काम करेगा मैरिड भी, मैरिड तो रोज करेगा, क्या हो सके ऐसा रीजन, बैचलर पैसे लेके भाग जाते होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, मैरिड भी भाग सके भागने को, तो मतलब गरीब खाली बैचलर ही थोड़ी हो यार, बात तो ठीक ही, जितने धोखेबाज आदमी हो थोड़े सारे रंडवे हैं, या फिर ऐसा होता हो बैचलर थोड़े थोड़े दिनों में छोड़ के चला जाए इसलिए। अरे देश के यूथ की मार
अब थोड़े दिन के लिए मैंने अपने कपड़ों की जो कबर्ड है ना वो यही बना लिया। बैग मैंने निकाल लिया ये वाला बेड के नीचे से, अब इसे खोलता रहूंगा, इसमें से एक एक शर्ट निकाल के पहनता रहूंगा गर्मियों के कपड़े। अब टाइम नहीं है कि इसे यहाँ से निकाल के वहां डाल लूं। अभी मम्मी और दीदी का सामान मैं तुक्के से ही ले आया, बस जो जो मुझे दिखा। यूं और बड़प्पन ले गया कि मैं ले आऊंगा सारा सामान, तुम चिंता मत करो। अभी मैं और रे दीदी के यहीं जा रहे, वहीं से वीडियो करेंगे अपलोड, क्योंकि अलग हो गए हो जा दिक्कत। जब तक ये गूगल ड्राइव पर डाल के मुझे फाइल भेज जाए ना, पहले तो गूगल ड्राइव 2 घंटे लगा हुए, उसके बाद गूगल ड्राइव से डाउनलोड करो 2 घंटे में, इतना रिव्यू करो, इतना रात हो, एक दिन निकल चुका हो। अरे इतनी तो दूर जा भी नहीं रहे, वही तो इतना झंझट करें, इससे बड़े 10 मिनट दूर जा रहे। धागा बाकी दिन टॉम क्रूज बन के घूमता रहे, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड करनी उस दिन ऐसा उस दिन ऐसा हो जाए जुकर अभी 2 बच्चों को अपने स्कूल छोड़ गया। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए खेती कर रहे जा रहा, तो तू खेती को बहुत खराब वो मान रहा है, बेकार आउटफिट की चीज अभी करवा दूंगा कैंसिल। मैं सोच रहा, मैंने कहा फोन कर रहे, अभी कह रहे गेट 3 पे, हम भी कह रहे गेट 3 पे, ये खड़े हैं गेट 1 पे, फिर इन्हें बाद में पता चला गेट 1 पे वो लोग बना रहे भाई। आओ जी आओ यार, तुम कंटेंट के लिए कर रहे हो। राजू ये सोच रहा खत्म ना हो जाए, भीड़ ज्यादा है, कह रहा मुझे मुझे कह रहा नो इसका सिस्टम क्या है केक का, अभी मुंह भांटे रहे राजा, राजा सिस्टम क्या है केक का, गुस्सा आ जाएगा उसको, क्या बोलो कोई नहीं, पहले फोटो खींच लो मैं काट के फिर खा लूंगा, खिला लो चलो भाई राजा, बस चलो बेटा हो गया, क्या कर रहे हो गया अभी खिला दो। बहुत सारे केक खाने के बाद चल रही है, अब देश के युवा निकल चुके, अब मैं ब्लॉगर बनता जा रहा, अब मुझे पता है कहाँ क्या कैप्चर करना, अब बड़ी बड़ी कोलैब करा करूंगा मैं, हाँ शादियों में जाऊंगा लोगों के जो नहीं बुलाते, किसी को एक्सपोज करूंगा लोगों को, या 2 ब्याह कर लूंगा। नहीं बच्चे तो अभी श्योरिटी नहीं है यार, अभी किसने बताया कि इनके एक ही तो चीज है जो मेरे हाथ में वही तो। गाइस मेरी तरह ये भूल कभी मत करना कि पेट्रोल बाद में भरवा लेंगे, अगली बार जब बाहर निकलूंगा तब भरवा लेंगे, दूसरी बार जब बाहर निकलूंगा तब भरवा लेंगे। कल से 46 किलोमीटर की वार्निंग दिखा रहा था और 2-3 चक्कर मारने के बाद अब मुझे पैनिक में भागना पड़ा, मात्र 13 किलोमीटर की रेंज रह गई थी तब जाके मुझे पेट्रोल पंप मिला, ऊपर से ट्रैफिक जैम था, आज तो उम्मीद छूटी गई थी भाई। लक्ष्य और रेगा वेट करते करते शाम ही होगी, ये दोनों नहीं आके दे रहे तो भाई नींद आ गई कसम से। ये देखो तुम्हारा भाई बावला, ये रहा बावला लड़ गए, ये प्राण जाए पर काम चलता रहे, प्राण जाए लेकिन ट्रैफिक में ना फंसे। अभी क्या हुआ, विवेक भैया लोग आए हुए थे क्योंकि केक कटिंग करनी थी, यहाँ दीदी आज घर आ गई तो मैंने छोड़ने गया तो 1 घंटा लगा मुझे पूरा, जबकि 10 मिनट का रास्ता चला, 10 मिनट में गया था आने में 1 घंटा लगा, इस साइड जाम था पूरे में, पर काम अभी चल रहा, इतने में बना दिया थंबनेल बन गया अगली वीडियो का। हेलो गाइस, हाय बालियान भी तो आया हुआ शायद, मम्मा क्या हमने अत्ते कंधे पे बैठ गया, हां अपने हेलो जी नमस्कार जी बड़े भाई, ये तो यहां ते कच्ची में बैठ जा, तो गोवा मानना है नोएडा को भी, नोएडा को भी गोवा समझ रखा, मजा नहीं आ रहा क्या पूरा अभी तो वीकेंड पूरा यही है ना, कैसे अबे सैटरडे बैंक बंद रहने लगे पागल है क्या, आज कुछ रूल तो निकाल ला, हमारा कहां बंद रहे बेटी, ठंडे हो जाना पड़ा है तो ना, तो गम में बात कर दी बिल्कुल, गम में क्या बेटी अभी तो 2 दिन यही है ना, वो सुबह टालो मैं झोला डिनर पे तो आ जाओ, नहीं मैंने तो कर लिया, कर लिया अलग अलग रहने लगा के तू, हमारे से रोल होगा क्या, अलग रहने लगा के तू, खा लो नींद आ रही, चल सोएंगे अब दोनों भाई चिपकते। बस सब्सक्राइबर भी परेशान हो गए होंगे देख देख के, 2 लंडे सुबह गाड़ी उठाए फ्लैट देख के आए, शाम में हुए कुछ नहीं मिला, यही है भाई रियलिटी, यही है आज ये रियलिटी चेंज होनी चाहिए यार भाई, कोई कोई यार मुझे लगे हमारे लिए वो नहीं कर रहा, गुड विशेष नहीं दे रहा हमें, इसलिए हमें फ्लैट नहीं मिल रहा, आज कोई वो जब रहा गया टोट के कर रहा, आज कमेंट में वो होना चाहिए मतलब कोई कोई ऐसा ट्रेंड चला दो, नोबिता बताते वो पूरी हो जाओ, अच्छा लिफ्ट नहीं बुलाई क्या, बुलाई थी नीचे पता नहीं क्या हुआ, कोई नहीं कब मिल पाएगा हमें घर, मुझे इस घर में खोजा होने लगी कसम से, कब हम सो पाएंगे, वो तो तू नहा नहीं रहा, चलो मुझे लग रहा है ये जो बन रही ना सोसाइटी है सीमेंट में, इन पे ही वॉल पेपर से लगा के इनमें ही रहना पड़ेगा बस, मतलब जो स्टूडेंट्स देखते होंगे फ्लैट वगैरह में जिन्हें जिन्हें कभी मूव इन करना पड़ा होगा, तो यार तुम्हें भी सब लोगों को ऐसी दिक्कत आई थी या कुछ हमारे साथ ही हो रहा, मतलब दिक्कत तो आती है बैचलर को ये तो हमें पता, लेकिन हम तो ऐसे बैचलर भी नहीं है यार, मतलब अगर तुम में से कोई हो तो तुम बताओ कितनी प्रॉब्लम हुई तुम्हें, उससे हमारे उस पर कमेंट बढ़ेंगे वीडियो पे, इससे हम समझ पाओगे कि तुम भी हमारी तरह जुड़े हुए हो, हमारी फीलिंग से जुड़े हुए हो तुम भी, यार बता इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इतने किलोमीटर में एरिया आ रही है, एक एक छोटा सा दुछत्ती खाना हमारे लिए खाली नहीं है कहीं, बता क्या हम इतने बुरे हैं, वही है भैया एक दुछत्ती खाना दिखा दो।
गांव का घेर तो इस टाइम सबसे बढ़िया लग रहा। घेर में डाल के एक वो दीवार सी और वही हो जाता काम। वो ये है एक ग्रीन स्क्रीन पे एक बार लक्ष्य वाली वीडियो में नहीं था वो, हाँ। पीछे से ग्रीन स्क्रीन हटा के गाय निकले MLM वाली वीडियो में था वो। वही सीन चाहिए बस, अब मुझे वही दिख पा रहा कि वही हो सके। अपने शहर में कितनी जगह है यार। अरे पूरे NCR में ये भी फैक्ट है कि नोएडा में ही जगह है। गाजियाबाद तो छोड़ दे, चल गाजियाबाद अब कनेक्टेड नहीं रहा ज्यादा, पर नोएडा में ही सबसे ज्यादा जगह है। वरना दिल्ली में जगह नहीं है, गुड़गांव में थोड़े आउटर एरियाज में जगह है, तो यही है। मुझे लगे नोएडा में भी सड़कों पे ही जगह बस, सड़कें छोटी छोटी। ये तो एक फैक्ट है कि NCR में रहने के लिए सबसे ठीक ठीक नोएडा ही है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से यहाँ जगह बहुत है। लेकिन लोग नोएडा को गलत मानने बस, वो लोग ही गलत हैं। बाकी हम यहाँ रहे हो सके हमें इसलिए लगता हो, पर सिर्फ मेरा ओपिनियन सही है, बाकी सब गलत है। वर्ल्ड नहीं खुला खुला है यार यहाँ, ये बात तो बात है। पर वैसे अपना शहर ही बढ़िया भाई, कुछ चीज के लिए निकल जाओ, यहाँ तो पूरा दिन लग जा, वहाँ तो हर 5 मिनट पे आपको हर चीज। छोटे शहरों की ये फायदे है भाई, मुजफ्फरनगर सहारनपुर शामली है ना। ये भी देखा मैंने, हर मुजफ्फरनगर वाला मुजफ्फरनगर की तारीफ करे, अपने शहर की सभी तारीफ करते होंगे यार। बस वहाँ वीकेंड पे क्लब में दारू पी के नहीं जाऊंगा। नहीं कोई दिल्ली में रह रहा होगा तो वो दिल्ली की तारीफ करता होगा। दिल्ली वाले तो खैर ज्यादा ही करे, तो ये अपने में खुश है दिल्ली वाले बना के, दिल्ली से है बहन जो करके किंग कोंग बन जाए लाइन बोलते हुए। अरे भाई भूख लग रही है यार सुबह से, बिल्कुल उठे यार हम तो ऑप्शन देखने चल दिए यार। जब फ्लैट ढूंढना इतना भारी तो रिश्ता ढूंढना कितना भारी होता होगा सोच। भाई हर्ष जी आज तो आपने डांके खोल दी, ये तो यहाँ आपने 2 हर्ष वाला दिमाग लगाया। अगर आदमी लव मैरिज भी करे 2-4 साल से जानता हो तो एक बार वो कंफर्टेबल है, अरेंज मैरिज में गई एंड फटती होगी अगर आदमी एकदम से ऐसे देखने निकले। ऑप्शन दिखाओ अच्छे से, थोड़ा इस बजट में दिखा दो। बिक रहे बस लोग अरेंज मैरिज में, फ्लैट की तरह ही बिकी रहे। यूं को अच्छा लड़का कितने बजट 2 लाख रुपए बजट पूछे है, यहाँ सैलरी पूछे है, वहाँ यहाँ स्पेस पूछे है, यहाँ ये पूछे है कि कितना एडजस्ट कर सके। सेम ही चीज है। सिर में दर्द होने लगे शादी के बारे में सोचते ही। अरे वो तो हो गई यार।